क्या नाम है आपका? अर्जुन चौधरी। क्या करते हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, किस क्या कोर्स कर रहे हो आप? अभी तो हमने 10th का एग्ज़ाम दिया है। अच्छा, बोर्ड एग्ज़ाम। अच्छा, आपका ग्राम? ग्राम धर्मनगर है। अच्छा, आपका स्कूल कहाँ है? हमारा स्कूल, हम पढ़ते थे परशुरामपुर जुपिटर एकेडमी में। हाँ, तो ज़्यादा दूर है या पास में है वो? नहीं, हमारे घर से 6 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो आपके गांव में स्कूल नहीं है? स्कूल है लेकिन उतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे चाहिए। अच्छा, तो जहाँ पे आप पढ़ते हो डिग्री कॉलेज वगैरह है कि इसे नॉर्मल है? नहीं नहीं, डिग्री कॉलेज नहीं है, क्लास 10th तक ही है। अच्छा, आपका सपना क्या है बड़े होकर बनना? हमारा सपना एक था IAS ऑफिसर बनना। अच्छा, तो उसकी तैयारी आप कर रहे हो? हाँ, उसकी तैयारी कर रहे हैं। इसके पढ़ाई के साथ उसके लिए बॉडी भी चाहिए, तो आप उसके लिए तैयारी हो? हाँ हाँ, सब तैयारी कर रहे हैं, बॉडी भी तैयारी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। अच्छा, आप कितने भाई हो? हम 3 भाई हैं। क्या है नाम है भाई? हमारा तो अर्जुन चौधरी नाम है, छोटे भाई का अजय चौधरी नाम है, और जो उनसे छोटे उनका आर्यमान चौधरी नाम है। और आपके पिताजी का? हमारे पिताजी का नाम है मिस्टर राजू चौधरी और मम्मी का नाम है मिसेज नीलम देवी। अच्छा अच्छा, आपके पिताजी कहाँ रहते हैं? हमारे पिताजी फॉरेन कंट्री रहते हैं। कहाँ? फॉरेन में? कहाँ? ओमान में रहते हैं। अभी कहाँ हैं? अभी इस समय ऑस्ट्रेलिया में हैं। अच्छा अच्छा, वहाँ क्या करते हैं? वहाँ सर प्लास्टिक का काम कर रहे हैं, जो पॉलीथीन वगैरह बनती हैं उसी कंपनी में हैं। आप अपने पिताजी का पैसा बहुत सही यूज कर रहे हो? हाँ बिल्कुल सही यूज कर रहे हैं। कि वो तो कमा के दे रहे, गलत जगह तो नहीं डाल रहे? नहीं, गलत जगह नहीं डाल रहे हैं। अच्छा अच्छा, पक्का? हाँ। ओके, देखेंगे वो? हाँ देख सकते हैं। हाँ, आप घर पे और कौन सा मतलब काम करते हैं? कृषि का काम करते हैं? हाँ, कृषि का काम होता है। अच्छा, इधर घर पे कौन है? मम्मी और? मम्मी है और हम है, हमारे छोटे छोटे 2 भाई हैं। अच्छा, और आपके दादी दादा? नहीं, वो तो एक्सपायर हो गए हैं 4-5 साल पहले। अच्छा, दादी को हमने देखा नहीं था, सिर्फ बापा जी को देखा था। अच्छा, आपके गाँव में सड़क वड़क सब अच्छे से बना है? नहीं, सड़क वड़क तो अच्छे से नहीं बना है। अच्छा, तो आप क्या सोचते अपने गांव में, मतलब क्या होना चाहिए? देखो, हमारे गांव में विकास होना चाहिए, वो जो सड़क वगैरह है सब अच्छे से रहना चाहिए। गांव में दो एक दो स्कूल अच्छे चाहिए, जो यहां के जो बच्चे हैं उनके लिए, उनके भविष्य के लिए। आपके गांव के बच्चे कैसे पढ़ते लिखते हैं या मजदूरी करते हैं? नहीं, पढ़ते लिखते हैं, और जो जिनके पास व्यवस्था नहीं वो मजदूरी करते हैं। अच्छा, आपके आपके गांव में जिसके पास घर नहीं था उनको आवास योजना मिला है? हाँ, बहुत लोगों को मिला, अभी बहुत लोगों को नहीं मिला है। आपके गांव के प्रधान कैसे हैं? प्रधान अच्छे हैं और नहीं भी अच्छे हैं, क्या कहा जाए। अच्छा, आप शौचालय योजना जो आया था सबके गांव में, मतलब आपके आपके गांव में सबकी जगह सबके घर पे बना है? नहीं, सबके घर पर नहीं बना है, 4-5 लोगों के घर पर बना है। अच्छा, आपके गांव में सरकारी हॉस्पिटल वगैरह है? नहीं। तो मतलब कितना दूर है आपके गाँव से सरकारी हॉस्पिटल? 12-12 किलोमीटर दूर पड़ता है। उधर सारी सुविधा उपलब्ध है सरकारी हॉस्पिटल में? नहीं, सारी सुविधा उपलब्ध नहीं है। अच्छा, तो प्रधान साहब आपके गांव वाले ने कभी सिफारिश किया कि हमारे गांव में स्कूल बने, सरकारी हॉस्पिटल बने? किए हैं लेकिन वो भी किए नहीं हैं।